ना है नहीं किसी की। एक सभासद द्वारा जो है आपके कार्यालय में आज हंगामा काटा गया, कुछ सफाई उफाई की का आरोप लगा रहा था, नहीं हो रही पालिका की तरफ से, क्या ऐसी कोई बात नहीं है। नगर पालिका द्वारा निरंतर सफाई की जा रही है और उसके कहने पर मैं खुद वार्ड में जा करके पूरी चेकिंग किया और पूरा पुनः अभियान लगवाया। ऐसी कोई बात नहीं है, वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल जो है पेशेंट है, वो दिक्कत इसी वजह से हुई और बाद में मैंने सबसे ठीक। दिवाली का त्यौहार नज़दीक है और शासन ने साफ निर्देश दिए गए हैं कि त्यौहार को देखते हुए नगर पालिका पूरे वार्डों में जो है सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देगी, लेकिन उन्नाव नगर पालिका के हालात बस से बदतर है। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये ईओ नगर पालिका उन्नाव का ऑफिस है, इसके जस्ट बाहर एक सभासद अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि यहाँ पर हमारे वार्ड में ना तो सफाई हो रही, ना ही अधिकारी सुनने का नाम ले रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम मोहम्मद इरशाद और किस्तू है। हम वार्ड नंबर 23 एबी नगर उत्तरी के सभासद हैं। साहब, नगर पालिका में आपात स्थिति के लिए त्योहारों के लिए 300 लोगों के प्राइवेट आउटसोर्सिंग से कर्मचारी रखे गए थे, लेकिन वो कर्मचारी सिर्फ कुछ जगहों पे काम कर रहे हैं, बाकी वो दिखाई नहीं देते। उनमें टोटल धांधली हो रही है। साहब, हम 8 महीने से इस पर लगा रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और साहब हमारे वार्ड की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। क्या कहा ईओ ने यहाँ पे जब आप धरने पर बैठे, उसके बाद ईओ थे यहाँ पर, क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब कर देंगे, हमें 10 दिन का टाइम दीजिए, 5 दिन का टाइम दीजिए। सर, इसे करते करते पुराने वाले ईओ साहब भी चले गए, नए वाले ईओ साहब हैं, वो भी सिर्फ आश्वासन दे रहे साहब, कोई काम नहीं हो रहा साहब। हमारे वहाँ वार्ड में बहुत हालत खराब है, पब्लिक आके रोज गाली बकती है साहब। अभी हम सब हम यहाँ पे जान दे देंगे अपनी, हम मर जाएंगे साहब, लेकिन हम जो है उठेंगे नहीं यहाँ से।